नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी महाराष्ट्र का जो सियासी घमासान पर आज सुनवाई होगी। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार बीते कई दिनों से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई होने वाली है और याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच आज सुनवाई करेगी। दरअसल हुआ यह है कि शिवसेना का जो शिंदे खेमा है और जो ठाकरे खेमा है, दोनों ने जो बाकी विधायकों की सदस्यता है उसको रद्द करने की बात कही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सुनवाई आज देगा और उस पर अपना फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को अयोग्यता नोटिस पर फैसला नहीं देने का आदेश दिया था। दरअसल पिछले जो सुनवाई हुई थी बीते दिनों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर हैं वो अयोग्यता नोटिस पर फैसला नहीं देंगे जब तक कोर्ट अपना फैसला ना सुना दे। यानी कि विधानसभा स्पीकर को खास आदेश दिए गए थे कि वो उस पर कोई फैसला ना लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाने वाला है। और वहीं पर जो लोकसभा स्पीकर ने राहुल शावले को सदन के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। दरअसल हुआ ये कि कल मंगलवार को दिल्ली में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के जो ठाकरे की खेमे वाले हैं, जो ठाकरे की शिवसेना है, उनके 12 सांसदों से मुलाकात की, साथ ही साथ उनको लोकसभा में स्पीकर के सामने परेड कराई और जिसके बाद राहुल शेवाले जो हैं वो सदन के नेता के रूप में उनको मान्यता दे दी गई है। यानी कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए उनके 19 सांसदों में से 12 सांसद जो हैं वो अपने खेमे में लेकर आ चुके हैं। वहीं पर खबर है कि करीबन 18 सांसद जो हैं वो पूरे एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने जा रही हैं। फिलहाल अभी 12 ही हुए, 6 की पुष्टि जो है, 6 की जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से लगातार आ रही है लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन वहीं पर 12 जो सांसद है उनकी पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल शावले को सदन के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। फिलहाल सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो बाकी विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द करता है या नहीं। ऐसे में देखना होगा कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाता है फैसला या फिर ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला जाता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।